हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। यार इस वीडियो में अपन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ सीखेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा 1D 2D और इस तरीके से। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाता है, फेंका जाता है, कुछ भी किया जाता है तो उसका मोशन आप बताने में सक्षम रहोगे, कैपेबल रहोगे। सो इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा काइनेमैटिक्स वाला वीडियो भी डेफिनेटली एक बार देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो काइनेमैटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट को आप पूरी तरीके से देखो जिससे आपको 1D 2D में जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो पर्टिकुलरली समझ में आ जाएगा और उससे ये वाला वीडियो को आपको समझने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो भी चार्ज्ड पार्टिकल है वो दो प्रकार का चार्ज पोजेस कर सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अपन को ये बात पता है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होती है फोर्स भी उधर ही लगता है, राइट। तो अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ में है तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी तरफ लगेगा एफ, और एफ को अपन QE करके लिख सकते हैं, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जिधर फील्ड उधर ही फोर्स होगा। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगती है, राइट। तो अगर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स है वो अपोजिट लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू अपन लिख सकते हैं QE। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मान लेते हैं इसका चार्ज क्यू है, इस वाले पॉजिटिव का भी चार्ज क्यू है, तो अपन को जो फोर्स है वो QE करके लिखना है। अच्छा, अब इसमें दो केसेस पॉसिबल है। आप जनरली सोचो कि अगर ये फोर्स कांस्टेंट हुई या फिर अगर ये फोर्स वेरिएबल हुई, तो दो केसेस बना लेते हैं, उससे अपन स्टडी करते हैं। तो पहला केस होगा अगर ये जो लगने वाला फोर्स है, अच्छा ये फोर्स लगा कौन रहा है, फील्ड लगा रहा है, तो फील्ड अगर कॉन्स्टेंट हुई, अगर यूनिफॉर्म फील्ड हुई तो इस बॉडी पे फोर्स भी कॉन्स्टेंट लगेगा, राइट। और वेयर एज अगर जो फील्ड है वो वेरिएबल हुई तो लगने वाला फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा, तो वहां पे अपन को अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो इसमें सीखने वाली बात बस यही है, यही अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी भी होने वाली है कि अगर भाई आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है पूरे स्पेस में, तो अपन ये बोलते हैं अगर फील्ड यूनिफॉर्म तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि एफ बराबर एम है। तो अपन ये बोल सकते हैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी या फिर कांस्टेंट होगी तो आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को बढ़िया तरीके से लगा सकते हो दिलेरी के साथ। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगा, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अल्टीमेटली कांस्टेंट आएगा, सो यूज द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसके अलावा एक और जो केस हो सकता है वो हो सकता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अपन को ये बात पता है जब भी चीजें चेंज होती है, वेरी होती है, तो अपन को कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो अपन को जब भी वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब स्पेस में अलग अलग जगह पे फील्ड वेरी कर रही होगी, चेंज हो रही होगी, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो जब भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म टाइप की होगी तो आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के रास्ते जाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने आपको काइनेमैटिक्स में भी बताया है, तो उसको आप एक बार जरूर से देखना, ठीक है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सो यूज कैलकुलस टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, और उसमें क्या इक्वेशंस लगेगी देखते हैं। तो जब भी अपने पास वेरिएबल फील्ड वाला सवाल होगा तो भैया वी बराबर dx/dt आप लगा सकते हो, या एक्स को आर भी बोल सकते हो, dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी के साथ एक्सेलरेशन को आप dv/dt लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक और अपन ने एक्सेलरेशन का दूसरा रूप देखा था vdv/dx, तो इसका भी इस्तेमाल अपन को करना पड़ सकता है इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक। तो अब देखो यार भाई, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, अब अपन को प्रॉब्लम्स में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सकता है। तो पहले कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहले प्रॉब्लम में अपन से बोल रहा है कि अगर एक एम मास का पार्टिकल है उसको अपन रेस्ट से रिलीज करते हैं, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, राइट साइड को है, उसका मास एम है, उसमें चार्ज क्यू है। तो सवाल में अपन से पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी बताओ, टी टाइम में कितना दूर चले जाएगा, टी टाइम में उसकी स्पीड बताओ। तो यार सबसे पहले सवाल में अपन को पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, टी टाइम में कितना डिस्टेंस चल चुका होगा। तो अपने पास अगर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो इस केस में अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब कितना डिस्टेंस चला कितने टाइम में, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन लगा के अपन पता लगा सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टी टाइम में। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्योंकि वो एक ही तरफ चलता चला जाएगा,
तो अपन ने सीखा था वन डायमेंशनल मोशन में अगर कोई बॉडी एक ही तरफ चलती चली जाती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है अंटिल एंड अनलेस वो पलटी ना मारे। तो यहाँ पे अपन सोच सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी QE और उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इस फोर्स को मास से आप डिवाइड कर दोगे तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां से अपन को एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा, राइट। अब अपन को सेकेंड इक्वेशन लगानी है तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट तो अपन को फाइंड करना है एस, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट मतलब यू जीरो हो जाएगी तो अपन बोलेंगे यू जीरो हो गया टी की जरूरत नहीं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यूई बाय एम इंटू टाइम का स्क्वायर तो टी स्क्वायर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा क्यूई टी स्क्वायर बाय टू एम। तो ये हो गया अपने फर्स्ट सवाल का जवाब। अब सेकेंड में पूछ रहा है उसकी स्पीड क्या होगी टी टाइम के बाद वो जहां भी पहुंचेगा वहां पहुंच के उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये अपन को पता लगाना है। तो स्पीड टाइम कौन सी इक्वेशन सूझ रही है फर्स्ट वाली, राइट, क्योंकि स्पीड और टाइम उसी में आता है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं v बराबर u प्लस at। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू सब्सिट्यूट करूं फाइनल वेलोसिटी मान लेते कुछ v हो गई या आगे जाके इसकी स्पीड v हो जाएगी, u तो यहां पे जीरो ही था, राइट। तो v बराबर जीरो प्लस एक्सेलरेशन हो जाएगा qe बाय m इंटू टाइम t, तो वेलोसिटी आ जाएगी qe t बाय m। तो यहां से अपन को वेलोसिटी भी मिल जाती है। इसी तरीके से एक और सुपर सवाल अपन देखते हैं जिसमें इसी को थोड़ा एडवांस में ले जाऊंगा, सो लेट्स ट्राई। तो अगले सवाल में अपन को बोल रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को अपन ने कुछ वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा इस तरफ फेंक के मारा और उसमें चार्ज क्यू है उसका मास एम है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी वेलोसिटी के अपोजिट है, तो हमसे वो पूछता है कि कितनी दूर हाउ फार विल इट स्टॉप कितनी दूर वो जाके रुकेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछता है आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट स्टॉप कितनी देर के बाद वो रुकेगा। तो अपन सपोज सोचते हैं यहां कहीं पे जाके वो रुक गया मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, वो इस दौरान कुछ एस डिस्प्लेसमेंट चला। अच्छा अगर वो रुका तो इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन होगा उसकी स्पीड कम हो रही होगी तो इस पे एक्सेलरेशन जो है वो पीछे लगना चाहिए तभी उसकी स्पीड कम होगी। हमने सीखा है काइनेमेटिक्स में जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो स्पीड जो है वो कम होती जाती है, राइट, और जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी या स्पीड बोलना चाहिए बढ़ती है। ठीक है, यहां पे आप नोटिस करोगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ है परंतु जो इस पे फोर्स लगेगी QE वो पीछे लगेगी QE और उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप मास से डिवाइड कर दो तो डिवाइडेड बाय मास ये आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, अच्छा अब मैं सोचो क्या निकालना चाहता हूं कितनी दूर जाके रुकेगा स्पीड हो जाएगी जीरो और कितनी दूर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में कौन सी इक्वेशन आती है भाई, तो आप बोलोगे थर्ड वाली। तो यहाँ पे अपन थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, बोलेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल स्पीड हो गई जीरो, इनिशियल स्पीड थी v नॉट पीछे की तरफ तो मैं लिखूंगा माइनस v नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन राइट साइड में मतलब आई कैप में है तो अपन लिखेंगे qe बाय m जो कि पॉजिटिव में आएगा और डिस्प्लेसमेंट पीछे हुआ है तो माइनस में कुछ s चला मान लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे साइन कन्वेंशन मैंने फॉलो किया है तो आप भी करना। अब आप नोटिस करो इसको यहाँ कुदा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस वी नॉट का स्क्वायर बराबर माइनस टू क्यूई बाय एम इंटू एस। अब आप क्या करो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब यहाँ पे आप सोचो ये माइनस से माइनस कट जाएगा अपन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये बाकी की टर्म्स सब इधर फेंक दो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर एम बाय टू क्यूई, तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। नेक्स्ट सवाल में अपन से पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद वो रुकेगा, तो कितनी देर के बाद रुकेगा मतलब वी जीरो और कितनी देर के बाद मतलब टाइम, वेलोसिटी टाइम में कौन सी इक्वेशन आती है भाई, तो आप बोलोगे फर्स्ट इक्वेशन। तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें हम लिख सकते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे जो फाइनल स्पीड है वो जीरो हो जाएगी बराबर इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है जिसका मतलब अपन बोल सकते हैं माइनस वी नॉट प्लस एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ है तो अपन लिखेंगे प्लस में क्यूई बाय एम और टाइम तो कांस्टेंट रहता है मतलब स्केलर रहता है तो उसमें साइन की जरूरत नहीं, तो वी नॉट को आप राइट में फेंको तो यहां से आप देखोगे कि आपको मिलेगा वी नॉट बराबर क्यूई बाय एम इंटू टी। अब अपन को टाइम चाहिए तो टाइम के लिए बाकी का माल सारा राइट में फेंक दो तो अपन को मिलेगा वी नॉट एम अपॉन क्यूई, तो ये अपना टाइम आ जाएगा। तो यहां से अपन पता लगा सकते हैं कितनी देर बाद जाके वो रुकेगा और कितनी दूर वो जाके रुकेगा। इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं लेता हूँ 2D मोशन में, ये तो अपने 1D के सवाल हो गए,
एक बहुत ही बढ़िया सवाल मैं आपको 2D का कराता हूँ जिससे आपको मजा ही आ जाएगा। तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वाले क्वेश्चन को पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो और फिर इसका सोल्यूशन देखो, तो आई थिंक आपको ज्यादा सीखने मिलेगा। ठीक है, सो इस वीडियो को पॉज करो और आप क्वेश्चन को ट्राई करो, और अगर आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है तो चलो इसका सोल्यूशन अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई एग्जिस्ट इन अ रीजन अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, राइट में या लेफ्ट में अभी तक तो नहीं बताया। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज माइनस ई है और मास एम है, एंटर्स अ पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट पे, यहां पे वो एंटर किया इस तरीके से, वी वेलोसिटी से एंटर किया, परपेंडिकुलरली विद वेलोसिटी वी उसने बोला, इट मूव्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एग्जिट्स एट पॉइंट बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है और किसी बी पॉइंट पे जाके वो निकलता है। अब बी पे जब वो निकलता है तो उसकी वेलोसिटी देखो ऊपर वाली वी ही है, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि भैया कहां से घुसा और कहां से निकला, तो उससे अपन को ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखोगे तो ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2a है, मतलब ये जो पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में कितना चल गया, ए चल गया। ठीक है, अच्छा वाई का सोचो, इसका वाई 0 था, इस वाले का वाई डी है, मतलब वाई डायरेक्शन में डी चल गया, तो y में इसका डिस्प्लेसमेंट अपन बोलेंगे d हो गया। ऑल राइट, अब अपन आगे ये देख सकते हैं कि भैया y डायरेक्शन में d चला, x डायरेक्शन में a चला। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि सपोज ये यहां पे t बराबर 0 पे एंटर किया और किसी t टाइम पे ये निकला। ठीक है, तो मेरे पास ये t नहीं है। अच्छा एक और चीज आप नोटिस करो, ये इस तरफ चला गया, मतलब x डायरेक्शन में आगे खसक गया, मतलब x की तरफ चला, मतलब इसका पाथ हो सकता है कुछ ऐसा हो या हो सकता है कुछ ऐसा हो, है ना, कर्व्ड होगा, ये तो अपन को समझ में आ रहा है क्योंकि बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो एक्स में लग रही है, प्रोजेक्टाइल में अपन वाई में ग्रेविटी लगाते थे, यहाँ एक्स में फोर्स लग रही है। अब आप समझो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, अच्छा इस पे जो फोर्स है वो राइट साइड लगी तभी ये राइट को गया, तो किसी इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स राइट में लग रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, तो हम बोलेंगे इस पे जो फोर्स यहां लग रही है इसका मतलब फील्ड इस तरफ होगी, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इतना अपन ने पता लगाया। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, मतलब पावर पूछा है, रेट ऑफ वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, अगेन पावर पूछा है, वेलोसिटी एट बी, बी पे वेलोसिटी भी पूछी है, तो अपन को बी पॉइंट में ये चीज समझ में आ रही है कि B पॉइंट पे जाके X में भी एक वेलोसिटी आ जाएगी, इसको मैं Vx बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो अपन को Vx पता लगाना है, कितने टाइम में जाएगा वो टाइम पता लगा लेंगे तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेलोसिटी ये सब निकाल पाएंगे आगे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचो ना अपने को क्या क्या पता, अपने को डिस्प्लेसमेंट पता दोनों X और Y में, और मैं चाह रहा हूं सबसे पहले टाइम निकला है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट सेकेंड इक्वेशन एक बार x में लगाते हैं और y में लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x डायरेक्शन में अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लगाऊं तो मैं बोलूंगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x डायरेक्शन में, तो अपन बोलेंगे a चला आगे, तो पॉजिटिव a डायरेक्शन में या पॉजिटिव i कैप में a चल गया, तो डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी x में क्या है, देखो भाई x में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं क्योंकि पूरा ऊपर ही जा रहा था, तो x में इनिशियल वेलोसिटी आएगी 0 प्लस हाफ x में उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे जो मैंने फोर्स लिखा था f बराबर q ही लिख सकते हैं, तो ee और एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ee बाय m। अच्छा आप देखो ये जो फोर्स है ये राइट में लग रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे टाइम कितना निकल के आएगा भैया, तो टाइम आएगा 2am बाय ee का रूट, ये मेरे पास टाइम निकल के आ गया, तो ये मेरे पास टाइम निकल के आ गया। ठीक है, देखते हैं एक बार y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो y में अगर मैं लगाऊं, मैं लिखूंगा अगेन s बराबर, तो y में सेकेंड इक्वेशन लगाने से अगेन लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब देखो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो चेंज ही नहीं हुई, मतलब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो अपन बोल सकते हैं y में कितना चला, d बराबर y में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v था और t टाइम में चला गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं टाइम की वैल्यू हो जाएगी d बाय v। अच्छा एक और मजेदार बात है, अपने पास एक टाइम ये आया, एक टाइम ये आया, और दोनों टाइम तो बराबर ही होने चाहिए,
डी पता, वी पता, ए पता, एम पता, ई तो पता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं अगर मैं दोनों टाइम्स को इक्वेट करा दूं। तो एक बार देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। तो अगर मैं टी की वैल्यू लिख दूं डी बाय वी बराबर अंडर रूट टू ए एम बाय ई और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो अपन को मिलेगा डी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर टू ए एम अपॉन ई। तो जो कैपिटल ई है उसको लेफ्ट में ले जा रहा हूं, बाकी सब राइट में। तो ई की वैल्यू अपन को मिल जाएगी टू ए एम अपॉन ई, ये जो वी स्क्वायर है ऊपर जाके यहाँ चले जाएगा और डी स्क्वायर यहाँ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ माना माइनस आई कैप में है, तो इसके आगे एक माइनस लगा के आई कैप में चिपका दूंगा। तो अब अगर ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन देखो माइनस टू एम वी स्क्वायर अपॉन ई डी स्क्वायर माइनस आई कैप, ये सही है, अपना यही रिजल्ट आया है। अब मैं निकालना चाहता हूं कि अपना एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो गया। देखो भैया यहां से यहां आने का टाइम तो मुझे पता है, तो मैं या तो टाइम और वेलोसिटी में खेल लूं फर्स्ट इक्वेशन लगा के, या थर्ड इक्वेशन भी लगा सकता हूं क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी है और फाइनल इनिशियल वेलोसिटीज भी है, तो उससे भी मैं पता लगा सकता हूं। तो अगर आप नोटिस करोगे एक्स डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगा के वेलोसिटी निकालना सबसे आसान है। तो एक्स डायरेक्शन में वो चला कितना, तो आप बोलोगे ए इनिशियल वेलोसिटी थी एक्स में जीरो, फाइनल वेलोसिटी एक्स में हो गई वी एक्स, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगाऊं तो उससे काम बन जाएगा। तो मैं एक्स डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगाता हुआ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अगर मैं अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं लिखूंगा वी एक्स का स्क्वायर इनिशियल तो जीरो प्लस टू एक्सेलरेशन था ई बाय एम और डिस्प्लेसमेंट हुआ ए। तो यहां से देखो वी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट में टू ई ए बाय एम। अब मैं बोलूंगा ई की वैल्यू यहां से इसमें पटक दो, तो E की वैल्यू डालने से आपको वी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट के अंदर टू ई ए बाय एम तो है ही। अब मैं E की वैल्यू डाल रहा हूँ, E की वैल्यू है टू ए एम वी स्क्वायर बाय ई डी स्क्वायर। अब आप देखो E से E कैंसिल हो सकता है, M से M कैंसिल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये टू, ये टू, टू का स्क्वायर ए ए ए का स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब सबका सब रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा है। तो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो निकल के आएगा टू ए वी बाय डी। तो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो आ रहा है टू ए वी बाय डी और वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो तो वी ही था। अच्छा तो अपन बोल सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो आप लिख दो टू ए वी बाय डी आई कैप प्लस वी जे कैप, क्योंकि वाई वाली वेलोसिटी नहीं बदली। तो अपन सीधा सीधा इसको चिपका सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई टेंशन नहीं अपन को, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं तो आपको देखने मिलेगा आई कैप में वेलोसिटी आई अभी अपनी और जे कैप में तो वी ही है, तो उसकी टेंशन नहीं। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, तो अपने पास एटलीस्ट दो आंसर आ गए, ये और ये। अब अपन को पूछ रहा है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बताओ, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताओ। तो रेट ऑफ वर्क डन माने पावर पूछा है और पावर को अपन फोर्स डॉट वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, राइट, एफ डॉट वी करके। अब आप देखो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इधर है बट फोर्स तो इधर है, तो इनके बीच में 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होता है तो डॉट पर उनका जीरो होता है, तो ए पॉइंट पे जो पावर होने वाला है वो जीरो होने वाला है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। अब डी ऑप्शन को चेक करने के लिए अपन को देखना पड़ेगा यहां पे इस वेलोसिटी के साथ तो अगेन पावर जीरो ही होगा क्योंकि ये वाली वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर है। अच्छा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो अभी अपन ने निकाला टू ए वी बाई डी आया और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है ईई बाय एम, सिर्फ ई, सॉरी एम नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं पावर लिखूं यहाँ पे साइड में पावर लिखूं तो फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स है ईई है ना, और एक्स वाली वेलोसिटी क्या है यहाँ पे तो वो ये है। तो अब आप लिखो टू ए वी बाय डी, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या जाएगा टू ए वी ई ई बाय डी। अच्छा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालते हैं देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टू ए वी ई बाय डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दे रहा हूं टू ए एम वी स्क्वायर बाय ई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे क्या बन जाएगा फोर ए स्क्वायर वी क्यूब ई से ही कट जाएगा और एम आएगा और डिवाइड में डी क्यूब बनेगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन भी सही नजर आ रहा है अपन को, बी भी करेक्ट है, इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो
तो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा और आप शायद सही हुए होगे। अगर आप सही हुए बहुत अच्छी बात है, अगर आप गलत हुए हो तो कोई बात नहीं, आपको सीखने मिला। सो कीप लर्निंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये सारी बात थी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस की। मैं एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा इस वीडियो के बाद में, तो उससे आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मोशन होगा, क्या होगा, वो आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। सो इस वीडियो को आज यहीं कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में। टिल देन बाय बाय।